हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, आज का जो टॉपिक रहेगा, किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देखकर ये बता पाना कि उसके रूट्स कैसे हैं। कैसे इन द सेंस, तुम्हें ये बात बतानी है कि रियल है कि इमेजिनरी है। अगर रियल है यानी कि एग्जिस्ट अगर करते हैं, ठीक है क्या, तो वो इक्वल है अनइक्वल है, ठीक है क्या बात। अच्छा, रूट्स के बारे में अगर तुमको बातचीत अगर करनी है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सप्रेशन रहता है जिसकी वैल्यू हमें पता रहनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है क्या। उसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो उसके बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि जो दोनों रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका क्या पूरा कच्चा चिट्ठा क्या है, और उनका पूरा एबीसी हम लोग बिल्कुल बड़ी आसानी से फिर हम लोग उस पर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है क्या बात। तो वो चीज आई कैसे है, देखो सबसे पहले अगर तुम्हें एक्सप्रेशन याद हो, एल्जेब्रिकली ग्राफिकली हम ये सारा काम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो, एल्जेब्रिकली द रूट्स आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें डी क्या है तुम्हारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, वेयर डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मेरे पास डी मान लेते हैं अगर लेस देन जीरो है, तब तो मेरे पास कोई कहानी ही नहीं बनती है, मतलब फिर तो मेरे पास रूट्स ही नहीं है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है क्या। रेडिकल साइन के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी अगर घुसी तो उसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है क्या, फिर वो एक्सप्रेशन ही इनवैलिड हो गया मेरा रूट्स वाला, ठीक है क्या। यहाँ रेडिकल साइन के अंदर डी लिखा हुआ है ना, तो डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है क्या। तो अगर d less than 0 अगर तुम्हारे पास हुआ, then the roots do not exist. इस केस को तुम ये भी कहते हो कि roots are imaginary, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब if roots exist, तब d या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अच्छा, इसमें अगर तुम्हारे पास d मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, द रूट्स विल बी, ठीक है क्या, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल रूट्स, ठीक है क्या, अनइक्वल कह लो इसको। क्या क्या हो जाएंगे रूट्स, देखो एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाय टू ए, और दूसरा रूट हो जाएगा एक्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय टू ए। अगर रूट्स को अगर इक्वल करना है तो डी हैव टू बी, डी हैज टू बी जीरो, ठीक है, फिर तुम्हारे पास इक्वल रूट्स आएंगे, या तुम कहते हो कोइंसिडेंट रूट्स भी उसे, ठीक है, कोइंसिडेंट रूट्स, ठीक है। तब x1 बराबर x2 बराबर माइनस b बाय 2a रहेगा, ठीक है। ग्राफिकली हम लोगों ने इन सारी चीजों पर बातचीत ऑलरेडी की हुई है, वो लास्ट वाला वीडियो ग्राफिकली जिसमें हम लोगों ने इस पर बातचीत की है, उसको भी तुम एक बार जरूर रिविजिट कर लेना, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक रूट हो गया ये, दूसरा रूट हो गया मेरे पास ये, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास d बराबर 0 हो गया तो दोनों इक्वल रूट्स मेरे पास ये हो गए, ठीक है। अच्छा, इक्वल रूट्स तब होंगे तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ये चीज। अच्छा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना तब होगी जब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बात। अच्छा, इसके अलावा तो इसमें और कोई नई बात नहीं कहनी है मुझे, ठीक है। मतलब कभी भी अगर तुम इस तरह की चीज अगर सुनो कि रूट्स आर अनइक्वल, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है, या फिर रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है बात, रूट्स एग्जिस्ट, अगर ऐसा अगर तुम्हारे सामने अगर वर्ड आता है रूट्स एग्जिस्ट, इसका मतलब डी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अनइक्वल रूट्स मतलब डी, अनइक्वल रूट्स मतलब पहली बात तो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, इसका मतलब डी या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है, तीन ही पॉसिबल वैल्यूज है ना तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट या तो तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। ये वाला सिनेरियो अगर तुम्हारे पास है नेगेटिव वाला, इसका मतलब तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। ये वाला सिनेरियो अगर तुम्हारे पास है, इसका मतलब इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स। यहाँ ये दोनों सिनेरियो में
इन दोनों सिनेरियो में रूट्स एग्जिस्ट, इस बात का अपने को ध्यान में रखना है, रूट्स एग्जिस्ट, यहां पर अपने पास अनइक्वल रूट्स रहेंगे। चलिएगा देखो, रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो दे एग्जिस्ट एज पेयर्स, ठीक है, इस बात का भी तुमको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर दोनों रूट्स भले इक्वल है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दोनों इक्वल है, ठीक है, कोइंसिडेंट है, ठीक है, बात समान रूट्स है। यहाँ पर भी देखो दो रूट्स है, यहाँ पर भी दो रूट्स है, रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो या तो दोनों करेंगे या तो दोनों नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। देर इज नो सिचुएशन इन विच ओनली वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट्स, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है क्या, नेवर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर हैज टू रूट्स और नो रूट्स, नो रूट्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इट कैन नेवर हैव वन रूट, ठीक है क्या, ऐसा नहीं होगा, दो रूट्स हो सकता है कोइंसिडेंट हो, उसको कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि एक ही रूट है, उसमें हो सकता है रूट्स कोइंसिडेंट हो, बट रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो एज पेयर्स ओनली, ठीक है, एक बात, ठीक है, फिर इस पर जितनी मेरे को बातचीत करनी थी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, अब सवाल बनाना है, एक एक करके शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर, ठीक है, इसकी भी एक एक्सरसाइज शीट मैं तुमको मोस्ट प्रोबेबली आज ही बना कर दे दूंगा, ठीक है बात। अच्छा, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि काम वगैरह तुम लोगों को कर देना है कि नहीं देना है, या फिर कुछ लोग ऐसा उसको समझ कर चल रहे हैं कि हर दिन बस टेस्ट अपना लिखते जाते हैं, मतलब 10 या 15 दिन के बाद जब टेस्ट होगा तब उसको लिखते जाते हैं, उतना ही सफिशियंट है करके, ऐसा नहीं है, तुम्हें डेली टू डेली अपना काम एक्चुअल में सबमिट यहाँ पर करना है, हर दिन डेली, ठीक है बात। क्या मैं मैसेज अपना कम्युनिकेट कर देता हूँ तुम्हें वहाँ टेलीग्राम पर, ठीक है बात। अभी इस वीडियो को यहाँ पर ओवर करते हैं, सवाल बनाना इसके आगे शुरू करते हैं, ठीक है।